नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार, आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बोलचाल की भाषा में कई बार लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि राजनीति मत कीजिए, यानी लोगों को खेमों में बांटना बंद कीजिए। अब देखिए, नेता भी कह रहे हैं कि महापुरुषों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यानी अब राजनीति बुराई या स्वार्थ का पर्यायवाची बन गई है। इसे नेता खुद ही साबित करने में लगे हुए हैं। हमें और आपको इस पर और माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए 70 साल पीछे का पुराना मुद्दा उठाया जा रहा है। आज बाल दिवस है, उधर देश के प्रधानमंत्री दुनिया में घूम घूम कर सुंदर तस्वीरें खींचने में व्यस्त हैं, और इधर देश में सुप्रीम कोर्ट बीजेपी शासित राज्यों से भी पूछ रही है कि गुमशुदा बच्चों के मामले में आप काम क्यों नहीं कर रहे। बच्चों के लिए अच्छे दिन का पता नहीं, पर अच्छी तस्वीरें प्रधानमंत्री जरूर देश लेकर आएंगे, हो सके तो घर में टांग भी लीजिएगा। शरद यादव कुछ दिन पहले पत्रकारों से पूछ रहे थे कि कोई मतभेद अगर हमारे दल में है तो आप बताइए। अब उन्हीं के दल के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मांझी बीजेपी के संपर्क में है, और शरद जी पत्रकारों के संपर्क से फिलहाल गायब हैं। और झारखंड में देखिए, बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़ ही रही है, चुनाव गायब हो चुके हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर जमकर राजनीति हुई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी पंडित नेहरू की विरासत को तहस नहस कर रही है। पटना में वरिष्ठ कांग्रेस नेता निखिल कुमार ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना भी साधा। देखिए, राजनीति हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको अपना, ये हमारे लिए वो बहुत ही स्नेहमय चीज़ थी और उनको हम आदर सत्कार के साथ देखते हैं, हमारे परिवार के। अब दूसरे लोग उनको मनाए तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग को बड़ी खुशी होती है। सरदार पटेल भी हमारे परिवार के थे, उनको दूसरे लोग अपना बनाना चाहते हैं तो बनाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने किया हिंदुस्तान के लिए, वो किया था बतौर भारत सरकार के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के लिए। देखिए, राजनीति अगर इतिहास का उपयोग सत्ता के लिए करने लगी तो अंजाम कुछ वैसा ही होता है जो आजकल नेहरू और पटेल का हो रहा है। सवाल यह है कि राजनीति कर कौन रहा है और किस हद तक कर रहा है। सवाल यह भी है कि राजनीति हो भी हो तो इसमें बुरा क्या है। आखिर पंडित नेहरू भी तो इसी राजनीति का हिस्सा थे। चलिए, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि स्थिति है क्या। पंडित नेहरू की जयंती से जुड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है 18 नवंबर को दिल्ली में। एक कार्यक्रम है, कांग्रेस पूरी दुनिया से लोगों को बुला रही है, पर भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कांग्रेस का तर्क है कि इस कार्यक्रम का सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये बात मेरे समझ के बाहर की है कि 50 देशों के प्रतिनिधियों का होना जरूरी है, पर विदेशों में भारत की नुमाइंदगी करने वाले प्रधानमंत्री का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अजीब बात। उम्मीद है दलों को इतना याद होगा कि मोदी इसी देश के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस भी इसी देश का एक राजनीतिक दल। अगर कांग्रेस नेहरू की विरासत को बीजेपी से अलग रखना चाहती है, मान लीजिए, तो दो सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई पंडित नेहरू की विरासत किसी एक दल की जागीर हो सकती है। शायद कांग्रेस के नेता यह भूल रहे हैं कि नेहरू कांग्रेस नहीं बल्कि आधुनिक राष्ट्र के निर्माता थे, आधुनिक भारत के निर्माता थे। तो बीजेपी को किनारे करने का क्या मतलब है? बीजेपी को नेहरू के कार्यक्रम से दूर करने का मकसद क्या है? क्या कांग्रेस को यह लगता है कि इतिहास के जिन पन्नों के आधार पर जो राजनीति की प्रेरणा का पाठ वो अपने कार्यकर्ताओं को पढ़ाने का काम अब तक करती रही है, उसे बीजेपी शायद एक झटके में खत्म कर सकती है? शायद बीजेपी कांग्रेस को नेहरू के मामले में भी ओवरटेक कर ले, इसलिए नेहरू के इर्द गिर्द सियासी बंटवारे की एक ऐसी लकीर बना दी जाए जिसे बीजेपी कभी पार ही ना कर सके। पर सवाल यह भी है कि जो लकीर संघ के जमाने में खुद नेहरू ने नहीं खींची, उसे आज कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ क्यों खींच रही है? नेहरू भी कभी संघ के खिलाफ बहुत ज्यादा कटुता के साथ मैदान में नहीं उतरे, पर आज कांग्रेस बीजेपी के लिए हर कटुता के साथ मैदान में है। तो क्या कांग्रेस की यह पूरी कवायद दरअसल नेहरू को भी भुला देने के आरोप से बचने की कोशिश नहीं है? इसलिए एक नायक की जरूरत आज की तारीख में कांग्रेस को भी है, और कांग्रेस एक नायक के भरोसे मैदान में उतरना भी चाहती है। पर राजनीति देखिए ईमानदारी से कितनी बदल गई है आजकल। इसका उदाहरण आपको बताना चाहेंगे कि देश के पहले आम चुनाव में बहुमत के बावजूद नेहरू ने उनका विरोध करने वाले जो लोग थे, जैसे आचार्य कृपलानी थे, नरेंद्र देव थे, जेपी थे, उन सबको उन्होंने साथ आने को कहा, क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र और देश के विकास के लिए जरूरी है। पर आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि नीतियों की विरोध को व्यक्तिगत स्तर पर कांग्रेस ले जा रही है। इसलिए सवाल यह भी है कि पंडित नेहरू को कांग्रेस तक सीमित रखकर क्या कांग्रेस खुद उनकी प्रतिष्ठा को दलगत दायरे में नहीं बांध रही है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, दूसरा सवाल देखिए राजनीतिक परिपाटी का भी है, जिसका परिचय भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के कंधे से कंधा मिलाकर दे रही है। बीजेपी भी पीछे नहीं है, हालांकि अब बीजेपी में वाजपेयी जी का दौर तो खत्म ही हो चुका है, फिर भी उनका जिक्र करना चाहेंगे यहां पर, क्योंकि
वाजपेयी जी को आज भी वही श्रद्धा से बीजेपी उनकी चर्चा करती है। तो याद दिलाना एक वाकया जरूरी है, 1977 में जब वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने तो उनके ऑफिस पहुंचने से पहले नेहरू जी की तस्वीर उस दफ्तर से हटा दी गई। अधिकारियों ने कहा कि भाई उन्हें लगा कि क्योंकि नेहरू दूसरी पार्टी से थे आप गुस्सा हो जाएंगे, वाजपेयी जी को कहा गया इसलिए तस्वीर हटा दी गई। लेकिन इस बात पर अटल बिहारी वाजपेयी गुस्सा हुए, उन्होंने तुरंत नेहरू की तस्वीर लगाने को कहा। और राजनीति का ये पाठ वाजपेयी जी ने नेहरू जी से ही सीखा था। जबकि वाजपेयी के बाद के दौर में बीजेपी भी उनकी विचारधारा को भूलकर राजनीतिक विरोध को वैचारिक से व्यक्तिगत स्तर तक पहुंचा चुकी है। और इस तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने नेताओं को भूल चुके हैं, बस नेहरू और वाजपेयी दोनों दलों के पोस्टर में अपनी जगह बनाए हुए हैं। यही राजनीति की हकीकत है। अब बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां पर एक विवाद पार्टी के अंदर ही विवाद की स्थिति पैदा कर रहा है। जीतन आम माजी मुख्यमंत्री विवादित बयान पर जेडीयू में एक बवाल मचा और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को जहां अनंत सिंह ने मांझी को मानसिक रूप से बीमार कहा था, वहीं अब देखिए स्थिति यह है कि पार्टी के तरारी विधायक है सुनील पांडे, उन्होंने अविलंब मुख्यमंत्री मांझी को पद से हटाने की मांग की। सुनील पांडे ने कहा कि मांझी बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी के इशारे पर ही लगातार गलत बयान दे रहे हैं। दिखा रहे मैंने नेतृत्व से मांग किया और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दोनों नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूं कि अविलंब विधायक दल की बैठक बुलाएं और पुनर्विचार करके और मांझी जी को हटा के और स्वयं नेतृत्व संभालें, क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार को मैंडेट दिया था न कि मांझी जी को, और मांझी जी अब उस लायक नहीं रहे। तो पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर लगातार उठ रहे हैं और पार्टी के अंदर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हों और मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये बात विपक्षी नहीं अब जेडीयू के अंदर से ही कहा जा रहा है। तो जेडीयू में जिस तरह से सीएम मांझी के खिलाफ एक के बाद एक विरोध के सुर उठ रहे हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू के हाल ही में बर्खास्त विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया। उनका कहना है कि नीतीश के इशारे पर सीएम मांझी का जेडीयू में विरोध हो रहा है। देखिए, पार्टी का आंतरिक मामला है, फिर भी मुख्यमंत्री बदल के नीतीश कुमार खुद गद्दी पर बैठना चाहते हैं। बिना गद्दी के वो ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकते हैं, गद्दी पर बैठना चाहते हैं। इसके चलते वो सारी तिकड़म कर रहे हैं कि कैसे भी हम हटा के अपने खुद गद्दी पर चले आएँ। इसके लिए सारा तिकड़म हो रहा है, वो अपना लालू जी के यहाँ दौड़ रहे हैं, शरद जी के यहाँ दौड़ रहे हैं, केसी त्यागी से बात कर रहे हैं, अपने मंत्रियों को लगा रहे हैं, कुछ विधायकों से स्टेटमेंट दिलवा को कुछ बाहुबली विधायकों से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। अब इनका यही ये हो गया कि इनके पक्ष में स्टेटमेंट देने वाले, खुल के स्टेटमेंट देने वाले किस तरह के लोग हैं, किस तरह के आचरण के लोग हैं जो नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी के पक्ष में हैं, आप खुद एसेस कर सकते हैं इसको। तो जीतन आम मांझी पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में, और ये आरोप जेडीयू के नेता ही लगा रहे हैं। तो क्या सचमुच मांझी के लगातार बयानों से नुकसान का एहसास पार्टी को इस कदर हो रहा है कि उन्हें अब अपने या अपना मानने से भी इनकार किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले देखिए शरद यादव दल या सरकार के अंदर नाराजगी की बात को सिरे से खारिज कर रहे थे, पर अब दल के अंदर से ही कहा जा रहा है कि मांझी जी को आराम देने की बारी आ गई, उन्हें कुर्सी से हटाने की मांग हो रही है और खुलकर हो रही है। और ध्यान दीजिए, जेडीयू के लोगों द्वारा मांझी का खुलकर विरोध करना, विपक्ष को मौका देना होगा कि वो मांझी को सवालों के घेरे में ले। तो क्या सवाल ये भी है कि क्या जानबूझकर मांझी को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है और मांझी को किनारा करने की तैयारी हो भी चुकी है? यानी नीतीश कुमार ने जिस दलित राजनीति को साधने के लिए मांझी पर दांव खेला, वो खुद अपनी आवाज़ इस कदर बुलंद करने में लग गए कि अब मांझी को चुप करना ज़रूरी समझा जा रहा है। अगर ऐसा है तो सवाल ये भी है कि मांझी अब कितने दिनों तक अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे? क्योंकि देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा है वो इतना बताने के लिए काफी है कि मांझी के विरोध में उठने वाली हर आवाज के साथ पार्टी अब खड़ी होगी। किसी त्यागी ने इंटरव्यू में कहा है, जीतन आम मांझी को नीतीश कुमार ने जेडीयू सरकार के डेवलपमेंट एजेंडे को बढ़ाने के लिए नियुक्त किया था, ना कि इतिहास को नए सिरे से लिखने के लिए। उन्होंने यानी मांझी ने अपने बयान और कुकृत्य से सरकार और कार्यकर्ताओं को शर्मिंदा किया है। जी हाँ, मांझी के लिए कुकृत्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल पार्टी कर रही है और नीतीश कुमार सारे मामलों पर आराम से चुप हैं। अब इतनी राजनीति तो आप लोग भी समझते हैं कि उनकी चुप्पी हंगामे की वजह बन सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं।
जेडीयू में सीएम मांझी के विरोध में आवाज उठने लगी है और आरोप लग रहा है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। लेकिन खुद नीतीश और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह इस मसले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वशिष्ठ नारायण सिंह डंके की चोट पर यह जरूर कह रहे हैं कि नीतीश में वो सारे गुण हैं जो एक प्रधानमंत्री में होने चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री की जो क्षमता है, नीतीश कुमार इसका एक एक पक्ष एक एक पॉइंट कवर करने का काम करता है, यही मैं कह सकता। बिहार जेडीयू में एक विचित्र स्थिति है आज की तारीख में। अब एक तरफ सीएम मांझी को हटाकर नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की आवाज उठ रही है, दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बता रहे हैं। याद कीजिए, इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के पहले भी जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताती रही। हश्र का क्या हुआ सबको पता है, पार्टी मात्र 2 सीटों पर सिमटी भी। पार्टी को मिली करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दिया। महादलित समुदाय के जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब वही सीएम जेडीयू के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और ये हम नहीं, खुद जेडीयू के विधायकों का भी बयान है। इन गतिविधियों के बाद साफ है कि बिहार जेडीयू में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब जरा पार्टी में सब कुछ नहीं चल रहा है, ये बातें समझ में आ रही है। तो नीतीश को पीएम मटेरियल बताने का मकसद क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या जेडीयू विवादों से ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है, या नीतीश को खुद पीएम मोदी के समकक्ष खड़ा कर ये जताने की कोशिश कर रही है कि देश में मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है। यानी वशिष्ठ नारायण सिंह के इस बयान के पीछे की सोच ये हो सकती है कि पार्टी को भी खड़ा किया जाए और नीतीश का कद भी बढ़ाया जाए, ताकि भविष्य में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बने तो उसका नेतृत्व सिर्फ नीतीश कुमार करें। बिहार में जिस तरह से जेडीयू में पीएम पद को लेकर ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, कुछ इसी तरीके की स्थिति झारखंड बीजेपी के अंदर भी है, सीएम पद को लेकर भी है। लोहरदगा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा, अगर केंद्रीय नेतृत्व उन्हें जिम्मेवारी सौंपेगा तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। देखिए, इस संगठन का विषय है, केंद्रीय नेतृत्व तो जो विचार करेगा, जो फैसला करेगी सरकार, जिम्मेवारी मिली तो निभाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व का विचार है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी लहर पर सवार होकर बहुमत का जुगाड़ कर लेगी। जुगाड़ और संभावना के दम पर बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने देख रहे हैं। ये स्लोगन से भी साफ हो रहा है, जन जन तक जाना है, अर्जुन मुंडा को सीएम बनाना है, आम लोगों की हुंकार सुनो, झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनो, योर नेक्स्ट सीएम रघुवर दास, सीपी सिंह फॉर सीएम झारखंड, ये सारे स्लोगन इन दिनों सोशल साइट्स पर छाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि अभियान नेताओं की ओर से चलाया जा रहा है, हालांकि नेता इसे इनकार करते भी दिखते हैं। झारखंड की राजनीति में सक्रिय इन नेताओं के नाम के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सूची में एक और नाम जुड़ गया। अब ये नाम है केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत का। सुदर्शन भगत लोहरदगा से सांसद हैं, आदिवासी हैं, लेकिन झारखंड बीजेपी में उनका रुतबा ऐसा नहीं है जैसा अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और सीपी सिंह का है। अगर इस बीच सुदर्शन भगत खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं तो साफ है कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। अगर ये हालत है तो पार्टी के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री कैंडिडेट के नाम पर प्रदेश के नेताओं की महत्वाकांक्षा को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने किसी का नाम घोषित ही नहीं किया और वो पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहती रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री पद को लेकर आ रहे बयान बीजेपी के मिशन झारखंड में सरकार बनाओ को मुश्किल में डाल सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने एक ही घराने के दो चचेरे भाइयों को उम्मीदवार बनाकर चुनाव को बेहद रोचक बना डाला। ये दोनों प्रत्याशी कोलांचल के चर्चित घराना सिंह मैंशन से जुड़े हुए हैं। दिखा रहे हैं, झरिया विधानसभा सीट पर सिंह मैंशन का कब्जा रहा है। 70 के दशक से 1990 तक सूर्यदेव सिंह लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे। सूर्यदेव सिंह के निधन के बाद झरिया सीट कुछ सालों के लिए सिंह मेंशन के हाथों से निकलकर आरजेडी के आबो देवी की झोली में चली गई। साल 2000 में सूर्यदेव सिंह के छोटे भाई बच्चा सिंह ने चुनाव जीतकर झरिया सीट सिंह मेंशन की झोली में एक बार फिर से डाल दी।
और तब से ये सीट इस परिवार के कब्जे में है। इस बार सूर्यदेव सिंह के पुत्र संजीव सिंह बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं कि हम जो जब से मैं होश संभाला तब से मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी झरिया में कभी खड़ी नहीं हो पाई। तीन बार स्वतः मेरे पिताजी स्वर्गीय सूरजदेव सिंह 80 और 85 और 90 ये तीन बार मतलब चुनाव लड़े और वो तीनों बार में वो कांग्रेस को पटखनी दिए, कभी झरिया में कांग्रेस खड़ी नहीं हुई। और उसके बाद चाहे अबू देवी विधायक हों चाहे कोई भी हो, माताजी भी रही हैं भाजपा से, दो टर्म विधायक रही हैं, प्रत्याशी इस बार हमको भाजपा से बनाया गया, लेकिन इससे पहले में आप देखिए कि कांग्रेस कभी ऊपर उठा ही नहीं। इस घराने के दूसरे सदस्य और धनबाद के डिप्यूटी मेयर नीरज सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। नीरज सिंह बीजेपी उम्मीदवार संजीव सिंह के चचेरे भाई हैं। घर के दो सदस्यों के एक सीट से मैदान में होने पर परिवार भी बढ़ता दिख रहा है। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह अपने भतीजे नीरज सिंह को समर्थन दे रहे हैं। वहीं रामाधार सिंह और धनबाद की मेयर इंदु देवी संजीव के समर्थन में नजर आ रही हैं। लेकिन इसके बाद भी नीरज सिंह का दावा है कि इस बार झरिया की जनता का प्यार उन्हें ही मिलेगा। यहाँ पर ये कोई पारिवारिक मंच नहीं है कि आप उसमें पूछ रहे हैं प्रतिद्वंदी भाई है या भतीजा है। निश्चित रूप से जो भी सामने हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना उम्मीदवार बनाया गया है और निश्चित रूप से जैसे दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव होता है इस बार भी वहाँ पर वही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई और भतीजावाद हो रहा है, वो बीजेपी से है और हम लोग कांग्रेस से, तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी अपनी पार्टियों के मुद्दों को लेकर झरिया के बीच में जाएंगे। कोयलांचल में सिंह मेंशन घराना जनता मजदूर संघ के नाम से मजदूर यूनियन चलाता है। जनता मजदूर संघ भी संजीव सिंह और नीरज सिंह के बीच बढ़ चुका है। मजदूर संगठन का विवाद और कोलियरी पर वर्चस्व को लेकर अक्सर संजीव और नीरज समर्थकों के बीच खूनी टकराव होता रहा है। अब जब विधानसभा चुनाव में दोनों चचेरे भाई एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं तो यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। देखना है जनता किसे अपनाती है और किसे नकारती है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। जी हाँ, तो राजनीति की यही खासियत है, घर बांटकर समाज को जोड़ने की कोशिश राजनीति हमेशा करती है। अजीब विरोधाभास है। फिलहाल आज इतना ही। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी पुरवैया।